हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेकलेस अनबॉक्सिंग। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक कार ओनर हो। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ अगारो का कार वैक्यूम क्लीनर। तो आप देख सकते हो ये कुछ इसकी एक्चुअली पैकेजिंग देखने को मिल जाती है आपको, और यहाँ पे अगारो की ब्रांडिंग की गई है, इसके कुछ मेन फीचर बताएंगे और यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है CV1079। तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपका एक गाड़ी क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ साथ इस प्रोडक्ट में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इसका ये बॉक्स आपको देखने मिलता है, इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो देखते हो मैंने इसको ओपन कर लिया। सबसे पहले इसकी हमें एक्सटेंशन ट्यूब देखने को मिल जाती है, तो इसको हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। और साथ में इसके कुछ ब्रश है, हमें जो इसकी अटैचमेंट है वो यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद आ चुकी है हमारी मेन यूनिट, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देखते हो बहुत ही कमाल की लग रही है देखने में, और आप देखते हो यहाँ पे आपको रेड बटन प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही कमाल की हो रखी है। और साथ ही साथ इसमें जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो ABS प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही इसमें हमारा ये देखते हो आप ये प्लग आ गया जो हमारी गाड़ी में लगेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमें एक वारंटी कार्ड देखने मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी तो मिल ही रही है, मगर साथ ही साथ इसमें आपको 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिल रही है अगर आप विद इन 30 डेज़ के अंदर इसको रजिस्टर कर देते हो। और तो चलिए उसके बाद हमें इसका रीडिंग मैनुअल देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसके बारे में बताया गया सारा कुछ, जितने भी इसके पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे दिखाए गए हैं हमें इसमें। और साथ ही इसमें एक कैविक नोजल हमें देखने को मिल जाती है। तो मेरे को इसका एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट ये लगा कि साथ में हमें एक पाउच देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा वैक्यूम क्लीनर है वो हम ईजिली कैरी कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। तो बहुत ही बेहतरीन है ये। तो आप देख सो आपको एक कार्ड भी दिया गया है टू बुक ए प्रोडक्ट डेमो, तो ये भी इनका बहुत ही बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिल रहा है अगारो की तरफ से। तो ये तो हमारा था जो हमें इनबॉक्स कंटेंट हमें देखने को मिल रहा था इसका, जो भी हमारा था। तो चलिए अब इसको हम प्लग कर लेते हैं और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको सारे डिस्कस करूंगा। तो ये आ चुकी है हमारी मेन यूनिट, तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसका हमारा जो पोर्ट है यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको 4.5 मीटर की पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी इनफ होगी आपके लिए आपकी पूरी गाड़ी क्लीन करने के लिए। और साथ ही साथ काफ़ी लाइट वेट आपको ये देखने को मिल जाएगा जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है, तो इसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हो कहीं पे भी। तो देखते हो आप काफ़ी लॉन्ग आपको वायर इसमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब इसकी जो हम वर्किंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पे आपको एक बटन प्रोवाइड किया गया, अगर आपने इसका जो फिल्टर है यहाँ से अगर आपने ओपन करना है क्लीन करना तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखते हो आप यहाँ पे बटन दिया गया, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पे आपको स्टील फिल्टर दिया गया है, और ये आपका वाशेबल फिल्टर है, इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। और साथ साथ इसमें आप देखते हो 0.5 लीटर का आपको डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी इसकी देखने को मिल जाएगी, जो कि इनफ होती है आपकी गाड़ी क्लीन करने के लिए। तो ये हमने वापस से कनेक्ट कर लिया, तो चलिए इसकी हम वर्किंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी हमें जो कैविक नोजल हमें प्रोवाइड की गई है ये हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है। तो ये हमारी जो सीट्स होती हैं, सीट्स से कॉर्नर होते हैं उस टाइम पे बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब यहाँ से हम इसकी जो सीट आप देखते हो कितनी गंदी हो रखी है, तो यहाँ से हम इसका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हो आप कितना डर्ट यहाँ पे जमा हो रखी है, और कॉर्नर्स पे भी यहाँ पे बिल्कुल डर्ट हो रखी है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हो जो हमारी सीट है वो इसने बिल्कुल क्लीन कर दिया, और आप देखते हो इसकी जो पावर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। इसमें आपको जो पावर देखने मिलेगी वो 110 वाट की पावर देखने मिल जाएगी, और साथ साथ इसकी जो सक्शन पावर आपको देखने मिलेगी वो 4.5 kP की सक्शन पावर देखने मिल जाती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आपकी गाड़ी है वो एकदम क्लीन कर देगा। तो चलिए अब हमारे जो अदर एक्सेसरी है वो अटैच कर लेते हैं इस पर। तो आप देखते हो ये आ चुका है हमारा मल्टीपर्पज़ यूज़ ब्रश आ गया, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और ये हमारा जो हमारे AC वेंट्स होते हैं इसको क्लीन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखते हो जो हमारे एसी वेंट्स है इससे बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट एक्सेसरी है हमारी एक्सटेंशन ट्यूब है, ये हम अटैच कर लेते हैं। तो देखते हो ये हमने अटैच कर लिया। तो आप देखते हो जो हमारा बॉटम है, हमारा मैट कवर है हमारे नीचे, तो ये भी हम इससे इजीली क्लीन कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखते हो यहाँ पे भी कितनी गंदगी इकट्ठी हो रखी है सारी, और इस साइड पर भी है, तो ये हमारी इजीली यहाँ से क्लीन हो जाएगी सारी। तो देखते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ही इसने हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ही इजीली क्लीन कर दिया, और काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी। जैसे कि आप देखते हो इसमें आपको 110 वाट की पावर देखने को मिल जाती है, और जो इसकी सक्शन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इससे आप अपनी जो गाड़ी है वो ईजिली क्लीन कर सकते हो। तो मैं तो आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर बाय करें, और इसको आप क्लीन करना। जो इसकी हमारी देखते हो हमारी जो डस्ट है वो सारी यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप सिंपली जस्ट इसको ओपन करें, और देखते हो आप ये हमारी जो डस्ट है सारी यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है इसमें, और इसको आप सिंपली अपने डस्टबिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हमारा काफ़ी इजी प्रोसेस है और काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। तो यहाँ से हमने इसको दोबारा लॉक कर लिया। तो मैं तो आपको मस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास अगारो का कार वैक्यूम क्लीनर ये वाला ज़रूर होना चाहिए। इसका बाय नाउ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। तो जल्दी जाएं अभी इसको बाय करें।